वैज्ञानिकों को एक मंदिर के बारे में अजीबोगरीब जानकारी मिलती है कि इस मंदिर का निर्माण स्वयं भूतों ने करवाया था। इस मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि शाम होते ही इस मंदिर में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। इसके साथ ही साथ उन्होंने कुछ ऐसा बताया कि वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। तो ये सारे ही रहस्य स्वयं देखने के लिए वैज्ञानिक पहुँचे इस मंदिर में और सभी वैज्ञानिकों ने अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली। इसके बाद ना ही कोई वैज्ञानिक इस मंदिर के पास गया और ना ही किसी ने यहाँ पर शोध किया। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो वैज्ञानिक कभी दोबारा इस मंदिर में नहीं गए? तो आज के वीडियो में इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और ये मंदिर कहाँ स्थित है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों, मेरा नाम है पूजा चौधरी, स्वागत है आपका फैक्ट्स गाइड चैनल में। इस चैनल पर आपको देश, दुनिया, इतिहास, सनातन धर्म व आध्यात्म से जुड़े वीडियोस देखने को मिलते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्यों इस मंदिर के बाहर रहने वाला गार्ड भी शाम होते ही तुरंत वहां से चला जाता है? मध्य प्रदेश के मुरैना में 1000 वर्ष पुराना एक अद्भुत व अत्यंत रहस्यमयी मंदिर मौजूद है। कहा जाता है इस मंदिर जैसा दुनिया में दूसरा कोई भी मंदिर कहीं भी नहीं है। इस मंदिर का नाम है ककनमठ मंदिर। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ये मंदिर प्राचीन स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। इस मंदिर को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि इसे बनाने में बहुत ज्यादा जल्दबाजी की गई हो, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि इस मंदिर निर्माण का कार्य बीच में ही छोड़ दिया गया। पर ये सब क्यों हुआ होगा? इस मंदिर के निर्माण में सीमेंट का इस्तेमाल भी नहीं किया गया है। सारे पत्थर एक के ऊपर एक क्रमबद्ध रखे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे सारे पत्थर अभी के अभी गिर जाएंगे, परंतु ये मंदिर वर्षों से डस से मस्तक नहीं हुआ। बड़े बड़े आंधी, तूफान, भूकंप भी इस मंदिर को हिला तक नहीं पाए। कहा जाता है कि मुस्लिम शासकों ने इसे कई बार तोड़ने के प्रयास भी किए तथा इस मंदिर पर तोपें भी दागी गईं, परंतु मंदिर को आज तक नहीं आई। इस मंदिर के आसपास बने छोटे छोटे मंदिर अब तक नष्ट हो चुके हैं, पर ये मंदिर अड़िग खड़ा है। लोग बताते हैं कि इस मंदिर को बनाने में जिस पत्थर का इस्तेमाल किया गया है वह आसपास के क्षेत्र में ऐसा पत्थर कहीं पर देखने तक को नहीं मिलता। ये सभी बातें इस मंदिर के विषय में रहस्यों को और भी बढ़ाती चली जा रही है। अब एक रहस्य को आप और सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर को रातों रात भूतों ने बनाया था। यहाँ के आसपास के निवासी बताते हैं कि यहाँ पर एक मैदान हुआ करता था। अगले ही दिन सूर्योदय के बाद ये मंदिर अचानक से दिखाई देने लगा। स्थानीय लोगों का ऐसा भी मानना है कि शिव जी के भक्तों में से भूत व प्रेतों ने इस मंदिर को बनाया है। यहाँ आसपास शिव जी का कोई मंदिर नहीं था, तो शिव जी को प्रसन्न करने हेतु भूतों ने ही एक ही रात में इस मंदिर का निर्माण कर दिया तथा सूर्योदय होने से पूर्व तक मंदिर का निर्माण नहीं हो पाया था, तो वे इसे अधूरा बना छोड़कर ही यहाँ से भाग गए। एक और रहस्य मिलता है इस मंदिर को लेकर कि इस मंदिर का नाम ककनमठ मंदिर है, जो कि एक रानी का नाम था। कुछ लोगों का कहना है कि ककन रानी के आदेश पर ही इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो दोस्तों, ये था वीडियो दुनिया के सबसे रहस्यमयी मंदिरों में से एक ककनमठ मंदिर के विषय में। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना और मुझे बताना कि क्या आप इस मंदिर के विषय में पहले से जानते थे। सबसे अच्छी कमेंट को मैं पिन करूंगी। जल्द ही मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।